और आज पर्सनली मैं ये बात बोलूँ ना, तो आज मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उस बच्चे से इंग्लिश के सवाल पूछे जा रहे थे। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो आपको खुद भी नहीं पता कि ये जो तैयारी है आपका, ये एक साल से कब। क्योंकि देखो यार, इतना तो मुझे पता है, मेहनत हर बच्चा करता है, हर स्टूडेंट मेहनत करता है, लेकिन उसी में किसी का सिलेक्शन होता है और किसी का रिजेक्शन होता है। क्यों ऐसा? इसीलिए होता है यहाँ पर कि जिसने मेहनत थोड़े स्मार्ट तरीके से की होती है ना, सिलेक्शन वहीं तक जाता है। जिसने मेहनत थोड़ी गाइडेंस में की होती है ना, सिलेक्शन उसी का होता है। यार मेहनत तो गधा भी करता है, मेहनत घोड़ा भी करता है, लेकिन आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा भाव इज्जत समाज में किसी को मिलती है तो घोड़े को मिलती है, गधे को कोई पूछता भी नहीं है। तो वही बात है, आपको मेहनत करनी है, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूं। आप बहुत ज्यादा मेहनत करिए, बहुत अच्छा काम करिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आप स्मार्ट बनिए। और स्मार्ट आप कैसे बनेंगे? तो स्मार्ट आप एक अपने अप्रोच से बनेंगे। समझ में आ गया? मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाहता हूं कि आज के समय में आपको करना क्या चाहिए। तो आज के समय में आपको सफलता की तीन बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो आपको एक अपना स्मार्ट अप्रोच हमेशा बनाकर रखना है, ठीक है। जब भी आप सवालों को पढ़ते हैं ना, तो सवालों को पढ़कर थोड़ा सा चिंतन किया करिए कि यार इस सवाल को हम कैसे कम समय में बना पाएं, क्या क्या और शॉर्ट तरीके हो सकते हैं। आज जैसे मैं मानो गुरुकुल में ट्रिग्नोमेट्री की मैंने आज क्लास ली, और ट्रिग्नोमेट्री की जब मैंने क्लास ली ना, मैंने उनके सामने क्वेश्चन रख दिया था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा तुम इसके बारे में कितने तरीके सोच सकते हो, ज़रा सोच के बताओ। सबका एक ही तरीका आया, किसी ने दो तरीके बताए। बट जब हमने उनके सामने तरीके रखे, तो फिर उनको समझ में आया कि असल में हम कर क्या रहे थे इतने दिनों से, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर कि जनरली हमने कहीं से कोई बात सीख ली, हम उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, और यही समय आपका बेकार करता है। बहुत लोग बहुत दावे करते हैं, मैंने यहां से पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने इनकी किताब पढ़ी। अरे यार, अगर मैंने वहां से, यहां से, वहां से पढ़ा होता, तो इस समय आप उन्हीं से पढ़ रहे होते, मुझसे थोड़ी पढ़ रहे होते। अगर हमने जिनसे पढ़ा है, तो आप भी उन्हीं से पढ़ रहे होते, आप मुझसे नहीं पढ़ रहे होते। सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आता है यहाँ पर कि हाँ, ठीक है, आप इस बात को समझिए। जब हम पढ़ाई करते थे ना, जब हम सभी क्वेश्चंस को लगा रहे होते थे, जब हम किताबों को देख रहे होते थे, जब हम मॉक को, तो उनके पे हमने खुद के सॉल्यूशंस पे काम करना शुरू किया। सारे के सारे टेक्निक्स मैंने खुद अपनाए। कैसे, कोई क्वेश्चन अगर मानो कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई बढ़िया क्वेश्चन आ गया, तो उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि इसको और शॉर्ट में कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। एवरेज का कोई सवाल आ गया, तो इसको मैं कैसे बैलेंस करके बना सकता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये जो है ना, इनके ऊपर मैंने काम किया, और आप भी इसके ऊपर काम करिए, स्मार्ट अप्रोच के ऊपर। दूसरा जो पॉइंट आ गया, वो क्या आ गया, सबसे बड़ा शब्द जो आज के समय में है, वो है यहाँ पर आत्मचिंतन। आत्मचिंतन क्यों करना है मेरे भाई? आत्मचिंतन इसीलिए करना है, आत्मचिंतन का मतलब इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपको क्या लग रहा होता है बहुत बार कि आप सही कर रहे हैं, बट असल में आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात पता ही नहीं कि आपका जीएस में पूरा लुटिया गुल हो रहा है मेरे भाई, 10 नंबर से ज्यादा नहीं आ रहे। मुझे पता है 10 प्लस स्कोर करने वाले काफी कम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 10 प्लस स्कोर तक आप नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा सही जा रहा है। आपको ये भी पता है कि अगर मैं एक अच्छा वोकैबुलरी पूछ दूं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे अभी ये बात पूछ दूं कि प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सुनेंगे, अरे पहली बार ये शब्द सुन रहे हैं, प्लेथोरा, ठीक है। अरे यार, प्लेथोरा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता, ठीक है। अगर मैं बोल दूं हिट द बकेट ईडियम है, हिट द बकेट का मतलब क्या होता है, नहीं पता। अब इसके ऊपर भी आप फोकस नहीं करते हैं कि आपकी वोकैबुलरी पूरी की पूरी गुल है, ठीक है। अगर आपसे थोड़ा बहुत करंट अफेयर पूछ दिया जाए, भैया पूछो मत, कुछ भी करवा लो, करंट अफेयर मत पूछना, ये अपने को नहीं आता है, ठीक है। रीजनिंग में अगर ढंग की सीरीज दे दी जाए, सिलोगिज्म दे दिया जाए, नहीं आता है। तो ये इसीलिए आत्मचिंतन जरूरी है। हर वीक आप जो है अपने संडे को बैठो, खुद को समय दो, क्या दिक्कत है, अपनी कमियों के ऊपर काम करो, ठीक है। बहुत अच्छे, एक भाई साहब डिस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, खतरनाक, वाह वाह वाह, ठीक है। देखो, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी भी संख्या का, बहुत, मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो वहाँ पर बोलेंगे प्लेथोरा, ठीक है, कि मेरे प्लेट में थोड़ा थोड़ा मत रखिए गुलाब जामुन, मेरे प्लेट में बहुत ज़्यादा रखिए, हम ज़्यादा मिठाई खाते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ध्यान दिया करो, ये आत्मचिंतन बहुत ज़रूरी है पेपर के समय में। स्मार्ट अप्रोच तो लगाने ही लगाने हैं, साथ में ये आत्मचिंतन भी करना है कि कैसे मुझे अपने जीके के मार्क्स बढ़ाने हैं, कैसे जहाँ पर मैथ में जिन टॉपिक्स में दिक्कत आ रहा है मुझे वो इंक्रीज करना है, कैसे मुझे वोकैबुलरी बढ़ाना है। क्योंकि मेरे भाई, अगर आप ये काम नहीं करोगे ना, तो आपको खुद भी नहीं पता कि ये जो तैयारी है आपका, ये एक साल से कब 3 साल के योजना में बदल चुका है, और 3 साल से कब पंचवर्षीय योजना में बदल चुका है, ये आपको भी नहीं पता। बस गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है,
जो है डीजल पेट्रोल उसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है, और चल रही है, मंजिल का कोई पता नहीं, बस सोच रहे हैं अब मंजिल मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी, लेकिन पता ही नहीं चल रहा। तो ये बैठकर सोचो, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना पेपर नोट वर्क करो। भाई कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बहुत लोग जो है ना, थोड़ा सा जो ज़्यादा हो जाता है, एक दो साल का जिनका तैयारी का हो जाता है, वो बैठ के सोचते हैं अरे अब ऐसे मेरे दिन आ गए कि मैं बैठ के स्ट्रेटजी बनाऊंगा, मैं पेपर पर लिखूंगा मुझे क्या काम करना है। भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हर हफ्ते मैं ये काम करता था, मुझे पता है कि यार मुझे अगर एक्स वाई जेड लूसेंट किताब की मुझे ये पूरा का पूरा पॉइंट मिसलेनियस का खत्म करना है, मुझे मनोहर पांडे ये पूरा का पूरा खत्म करना है, मुझे मान लीजिए रीजनिंग के ये सारे सीरीज के क्वेश्चंस लगाने हैं, मुझे इतनी तक वोकैबुलरी यहां पर याद करनी है, ठीक है, तो क्या करें, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्ट्रेटजी कि मेरा मैथ अगर स्ट्रांग है तो मैं एक घंटे ही उस पर समय दूंगा, मेरा इंग्लिश वीक है, एमबी पब्लिकेशंस के मैं सेट लगा रहा हूँ और सेट लगाने में मेरे नंबर ही नहीं बन रहे, 35.5 नंबर बन रहे हैं, 37 नंबर बन रहे हैं, 40 नंबर बन रहे हैं, क्या करेंगे, बैठ के वहां पर उसको सॉल्व करेंगे, बैठ कर वहां स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी कि हाँ मुझे अब इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे में इतने घंटे जीएस को देना है, इतने में इतने घंटे मैथ को देना है, इतने में इतने घंटे ये देना है, उसके अलावा आत्मचिंतन और क्या क्या करना है, तो आत्मचिंतन यहां पर अपने टॉपिक्स के बारे में भी करना है कि क्या पढ़ा आपने आज तक और कितना पढ़ा, और कितना पढ़ा जाना बाकी है। उदाहरण के तौर पे कहते हैं ना, ये आजादी खून मांगता है, तो एक बात जान लीजिए, ये सरकारी नौकरी मेहनत मांगता है। समझ में आया, जिसने मेहनत की है सफलता उसी को मिली है, जिसने मेहनत नहीं की ना वो सफल नहीं हो पाया है। देख रहे हो चीट करने वालों का क्या हाल हो गया है ना, यूपीएसआई में 9-9 मिनट में लोग पेपर खत्म कर दे रहे हैं, अब सोचो उनका करियर क्या रहा होगा। ठीक है, कई जुगाड़ कर लिए ना, आज रोड पर आ जाएंगे वो भी, और उनके साथ साथ वो सभी लोग नपेंगे जिन्होंने चीट करवाया है। आप अभी एक लड़के की वीडियो देख रहे होंगे बिहार में जो वायरल हो रहा होगा, वो जो छोटा प्यारा बच्चा है जिसने मतलब नीतीश कुमार के सामने इस वजह से आग्रह किया कि उसको पढ़ना है, और आज पर्सनली मैं ये बात बोलूं ना, तो आज मैं उस बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उस बच्चे से इंग्लिश के सवाल पूछे जा रहे थे, ठीक है, और इंग्लिश में ये पूछा जा रहा था कि राम एंड श्याम कहीं जा रहे हैं, इसको इंग्लिश में बोलो, तो राम एंड श्याम इज गोइंग। फिर टीचर ने उससे पूछा कि बता इज क्यों बोला, आर क्यों नहीं बोला, दो लोग हैं ना, उसका बड़ा शानदार ग्रामेटिकल फॉर्म में आंसर था कि सर प्रेजेंट की बात हो रही है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें, प्रेजेंट की बात है तो हम प्रेजेंट लिखेंगे ना। समझ में आ गया बात, बड़ा बेहतरीन तरीके से, और भी जितने क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि भाई वो प्रोफेसर है, और एक प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एक प्रोफेसर आंसर दे रहा है, और रैली में उसने सामने कहा हमको पढ़ना है। मैं आज आप लोगों के सामने एक बात की कमिटमेंट करता हूँ, अगर उस लड़के को एजुकेशन नीतीश कुमार या गवर्नमेंट नहीं देती है ना, पूरी जिंदगी उसकी एजुकेशन मैं उठाऊंगा, ये मेरी कमिटमेंट रहेगी। ऐसे कोई भी स्टूडेंट हो गया ना जो डेडिकेटेड है, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा वहां पर उसका, लेकिन बस डेडिकेशन वैसा होना चाहिए। आप लोगों को ये बात सोचना चाहिए यार, आप इतने बड़े हो चुके हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हो, एक बच्चे को आपसे कई गुना ज्यादा जानकारी है, बताओ, एक बच्चा आपसे कई गुना ज्यादा जानता है, पता है ग्रामर के रूल्स उसको पता है, 6 साल का बच्चा, उसको नौकरी की चिंता नहीं है, ठीक है, उसने रोटी नहीं मांगा, उसने पैसे नहीं मांगे, उसने कुछ और गाड़ी वाड़ी नहीं मांगा, उसने बस इतना कहा हमको पढ़ना भाई साहब, पैसे नहीं है, बस इतना करवा दो कि एडमिशन करवा दो कहीं पे, पढ़वा उड़वा दो, ठीक है, समर्थ नहीं है घर वाले यहाँ पे। बिहार की जन्मभूमि में तो ऐसे ऐसे लोग तो ऐसे भी हैं, 2 दिन भूखा सोलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन यहां पर अशिक्षित नहीं मरेंगे। तो मेहनत करो मेरे भाई, मेहनत जो है ना ये आत्मचिंतन से ही समझ में आएगा कि लूपोल्स कहां कहां पर हैं, ठीक है, कहां काम करना है, किन किन पॉइंट्स पर काम करना है, किन टॉपिक्स पर काम करना है।